रोजाना कोई 8-10 हज़ार का खरीद लेता, वो 5 हज़ार रुपया प्रॉफिट आ जाती है। यह काम इन्ना वसी कर दे कि असं ट्रक भर भर के इतों क्ढीए तो माशाला सानू ना अच्छी इनकम आए। कला वाले मोटरसाइकिलों वाले आते हैं फेरियाँ ला के, तो फिर मैं खरीद लैनी हाँ कोई 2-3 हज़ार का। बच्चे जवान ने माशाला, तो असं फिर रल के अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। नहीं कोई तो औरत भी मरद आ रही, अल्लाह का बड़ा करम है, अस तो मरदा तो भी वादा। जिस तरह लोहा लैदा करता, लैलन लैदा करता, हर चीज़ अलग अलग करके तो बोरिया च पा। मैं 10 हज़ार तो शुरू किया, माशाला यह घर भी बनाया है भी मैं। सानू पता हो कहते सानू कोई 2000-1500-2500 सानू बचना, फिर असी वो खरीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तलहा नवीद हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि एक ऐसे कबाड़ खाने में कि जहाँ पर कबाड़ का सामान पड़ा है, और आप पीछे मेरे देख रहे होंगे कि खातून काम कर रही है लगातार, और आप सोच रहे होंगे कि ये कबाड़ खाने में ना कोई चीज़ें बेचने आई है, ये चीज़ें बेचने नहीं आई बल्कि ये सारा का सारा कारखाना इसी खातून का, इसी दबंग खातून का है। कब से ये कबाड़ का काम कर रही है और कर क्यों रही है, ऐसी क्या मजबूरी है कि इसको ये सारे काम करना पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे बताएं आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा कितनी क्यों कर रही हो, हस्बैंड नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो फिर खावन के साथ नहीं करते काम? नहीं, मैं अलहदा काम करती हूं। आप अलहदा काम करती हैं, वो अलहदा काम जी, करते हैं। कर ऐसा क्या है, मियाँ बीवी तो कहते हैं ना, एक वो साइकिल के या गाड़ी के पहिए होते हैं कि दोनों मिलके घर का सर्कल सारा चलाते होंगे ने, लेकिन बच्चे जवान ने माशाल्लाह, तो असी फिर रल के अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी के कौन सा कबाड़ इकट्ठा करते हो आप? ए कबाड़ लईदा वे है बाहरों ना, साइकिलों वाले मोटरसाइकिलों वाले आते हैं फेरियाँ ला के, उन्होंने कोई लोहा होंगे, कोई लैलन, कोई प्लास्कट वगैरह, तो फिर मैं खरीद लैनी हाँ कोई 2-3 हज़ार का, वो फिर थले लैके आईदा वे। यह जगह वे आ सारी सामने, यह वेखो सामने कबाड़ पे आवे, यह फिर लिया, फिर असं इन्हों अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके तो फिर असी इन्हों ना बोरिया च, जिस तरह यह बोरिया के पाया आवे, यह बोरिया च पा के जिस तरह लोहा लैदा करता, लैलन लैदा करता, हर चीज़ अलग अलग करके तो बोरिया च पा के। तो खावंद वैसे क्या काम करते हैं? खावंद मेरे जुतियाँ का काम, जुतियाँ काम करता है। मुझे लगता है खावंद से ज़्यादा इनकम आपकी है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। तो कितना के रोजाना कितना का हो जाता है कबाड़ इकट्ठा, रोजाना की बुनियाद पे भेजते हैं आप लोग भी? हाँ, रोजाना कोई 8-10 हज़ार का खरीद लेता, वो 5 हज़ार रुपया प्रॉफिट आ जाती है। यानी रोजाना की इतनी प्रॉफिट आ जाती हाँ, है आ जाती है, कबाड़ के काम में इतना प्रॉफिट हाँ, है, तो इसे बड़ा गलत समझा जाता है, बड़ा गंदा समझा जाता हाँ, है कि कह दें देने के तुसी चोरी दी खरीद ली, शायद ये खरीद ली। उसके अलावा भी कहा जाता है गंद बार खरीदना हाँ, गंद खरीदना, तुसी गंद खरीदन लग गए, गंद नहीं है ए, लोग जेड़े फैक्ट्रियां दे विच ए मामलात ने लैलन, वो मशीनां लगियां ने, वह इकट्ठा करके मिक्स कर देंदे ने, वो फिर लै जांदे ने अगले अच्छे दाम ते लै जांदे ने। यानी ये अच्छा खासा प्रॉफिट वाला काम है, और इसमें इतना नुकसान का भी नहीं खतरा नहीं होता है? मैं 10 हज़ार तो शुरू किया, 10 हज़ार से शुरू किया था। अल्लाह का हूँ बड़ा शुक्र है कि माशाल्लाह यह घर भी बनाया है भी मैं, ते नाल ही नीचे ये जो तहखाना हाँ, उधर हाँ, उधर कमरा वे पिछे उन्होंने पैसों के नाल ही घर भी बनाया है माशाल्लाह, तो अगों अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह, अच्छी खासी आमदनी हो रही है, आमदनी अच्छी खासी हो रही है। तो आगे इसको बढ़ाने का भी सोचा हुआ कि इसको भी इससे बड़ा करना करना इंशाल्लाह, माशाल्लाह बचत होंगी है हूँ, इस तो अगर इनू वधावांगे, तो यही अल्लाह ताला अगर दुआ कि अल्लाह पाक यह काम इन्ना वसी कर दे कि असी ट्रक भर भर के इतों क्ढीए तो माशाल्लाह सानू ना अच्छी इनकम आवे। चले जी, अल्लाह करे, अल्लाह करे। खातून के लिए काम करना वैसे मार्केट में आजकल तो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे माशरे में। कोई मुश्किल नहीं, इंसान दे विच नहीं है, मर्दों के साथ डीलिंग करना ज़ेन होवे इंसान दा, इंसान दा अच्छा करदार होवे ना तो कोई भी मुश्किल नहीं। कहते हैं ना कि खवातीन जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं, कोई मर्द हो सकता है आपको खराब चीज ही बेच जाए? नहीं, कोई तो औरतें भी मर्द आ रही हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, असी तो मर्दों तो भी वादा। अच्छा, नहीं कुछ ऐसा भी होता है ना कि कबाड़ पहले तो कबाड़ होता है, ठीक है, वो तांबा वगैरह कह के, कोई स्टील वगैरह कह के, कुछ और क्या कि आपको भेजे और पता लगे बाद में उसमें कुछ बचा ही नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह ने अखा दितियां ने सारा कुछ ही। अच्छा, सारा खोल के उसके बाद रेट हाँ, करते हैं खोल के इन वेखना केंदे विच कितनी कि सानू प्रॉफिट आएगी, ऐ नहीं कि बोरिया च बांधे ते फिर असी उन्हें वेखना, इस तरह ही उन्होंने पैसे देने, पहले उन्होंने खोली दे उन्होंने वेखी दा की निकलता, इन्हें किन्ने पैसे होने, इन्हें किन्ने पैसे होने, फिर उस हिसाब न पैसे दे के तो असी खरीद लेंगे। सानू पता हो केंदे विच सानू कोई 2000-1500-2500 सानू बचना, फिर असी वो खरीद दे। वैसे खरीदते नहीं तो खरीदते हाँ, ही नहीं नहीं खरीद दे। अच्छा जी, बिल्कुल आपके सामने है कि ये खवातीन, खातून जो है एक मिसाल उन खवातीन के लिए जो घरों में बैठी रहती है और कहती हैं जी काम नहीं है, और आपके सामने है कि एक कबाड़ का काम जिसको हम लोग समझते हैं जी, कबाड़ का काम को हम वैसे ही समझा जाता है कि जी अच्छा काम नहीं है, अब आपके सामने एक खातून होके, दबंग खातून होके वो काम कर रही है और सारा सर्कल चला रही है, और अल्लाह ताला इसको तरक्की दे। इजाज़त दें इसी के साथ, मुझे अल्लाह हाफिज़।